भाई निकल लिए घर से और ये ले लिया अपना सामान, ये ट्रॉली, ऊपर ये बैग्स है। तो भाई स्वागत है एक और नई वीडियो, एक और नए ब्लॉग में। तो आज हम जा रहे हैं, हमारी ट्रिप स्टार्ट हो रही है एमपी की, उज्जैन से होकर भोपाल इधर घूमने जा रहे हैं। तो ये फैमिली ट्रिप है, मम्मी वगैरह सब साथ जा रहे हैं। वहाँ पे कथा है, बाकी ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ मैं सीधा जाकर मंदिर से, क्योंकि ट्रिप का भगवान से कुछ मांग के चलते हैं कि जो भी हो अच्छा हो और काफ़ी अच्छी ट्रिप निकले। ये ट्रिप है 7 से 8 दिन की। तो एक बार हाथ धो लेता हूँ भाई। तो भाई अंदर चलते हैं, हाथ धो लिए। और आज आया हूँ मैं मंगलवार के दिन, सोमवार के दिन नहीं आ पाया था, कहीं गया हुआ था और व्लॉग भी नहीं करा था मैंने। तो बस भगवान से ही मांग के चलते हैं कि व्लॉग अच्छे अच्छे चलें और ट्रिप भी काफ़ी अच्छी हो। देन उसके बाद में अब ये ट्रिप हो जाएगी ना हमारी कंप्लीट, फिर हम निकलेंगे बाहर कहीं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो भाई दर्शन कर लिए और अब चलते हैं घर के लिए। जय भोलेनाथ। तो भाई अभी आए हुए थे क्रोमा, खाने इसका नाम ये रहा, क्रोमा आए हुए हैं। तो अंकित भैया को क्या पावर बैंक लेनी है, उनके फ़ोन की बैटरी बैकअप बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है, तो पावर बैंक लेने आए थे। तो अभी वो आ रहे हैं, उनका वेट कर रहा हूँ मैं। तो मंदिर से तो आ गया था मैं, यहाँ पर खड़ा हूँ, बोले क्रोमा पहुँच जा, मैं वहीं आ रहा हूँ। तो एक बार पावर बैंक ले लेते हैं उनके फ़ोन के लिए, क्योंकि वहाँ पर व्लॉग भी शूट करना है, थोड़ा बहुत लाइव भी चलना है। तो इस हिसाब से फिर पावर बैंक ले ही लेते हैं, क्योंकि 11 है, काफ़ी टाइम हो गया फ़ोन को, बैटरी हेल्थ भी काफ़ी गिर चुकी है उसकी। और वही सीन मेरे साथ होने वाला है, अभी 92% बैटरी हेल्थ है, लेकिन थोड़े दिन बाद हो जाएगा, तो फिर मुझे भी खरीदनी पड़ेगी, तो मैं भी क्रोमा आ जाऊँगा वापस से ना। अभी ऑलमोस्ट पूरी पैकिंग हो चुकी है कम्प्लीट, और अभी टाइम हो रहा है 4 बज रहे हैं, और शायद 5:30 बजे की है ट्रेन, 5:30 या 6 बजे की है। तो ट्रैफिक वगैरह की वजह से हमको जल्दी निकलना पड़ेगा, तो 4:30 बजे निकलेंगे यहाँ से, तो आधा घंटा है हमारे पास में। बाकी ये भी लेके जा रहे हैं, गर्म पानी करके पिए हैं या चाय वगैरह बना के पिए वहाँ पे, तो इसके लिए मतलब एक कैंपिंग तरीके से हो गई, इससे हमको आइडिया भी मिल जाएगा नेक्स्ट टाइम हम बाहर ट्रिप करेंगे मैं और अंकित भैया, तो उस चीज़ से आइडिया भी मिलता रहेगा। एक बार दे जाता हूँ, हमारे बैग तो हो गए फुल, अब अंकित भैया वाले बैग में रखेंगे इसको। बाकी बहुत मस्त ट्रिप होने वाली है भाई, और जब आप ये ब्लॉग देख रहे होंगे तब हम सीहोर में होंगे, वहाँ पे घूम रहे होंगे। तो चलो एक बार रख के आ जाता हूँ, कपड़े पहन लेता हूँ, इसके ऊपर हुडी पहनूंगा। भाई फुल हो चुके हैं अपन रेडी और निकलने के लिए बस तैयार है, कैब कर दी है। बाकी चार्ली को फ्रेश करवाने आया था मैं यहाँ पे, क्योंकि फिर दादा दादी से कहीं भगने का डर सा रहता है, कोई कुत्ता उत्ता आ जाए और भग जाए, तो मैं करवा के जा रहा हूँ। बाकी टाइम हो गया है 4:44, तो अब निकलते हैं भाई, कैब आ जाती है। एक बार फुल रेडी हो, बाकी इसमें रख लिया मैंने पर्स, रख लिया चार्जर वगैरह रख लिए, क्योंकि फिर बार बार मैं ना बैग को खोलने में परेशानी आती है, और बैगों को अपन रख देते हैं ना अलग अपन से दूर, फिर वो परेशानी आती है, नीचे उतरो, और अपर बर्थ है मेरी, सॉरी मिडल बर्थ है मेरी, तो इस वजह से इसमें रख लिया। अरे रुक जाना, तो इसमें परेशानी नहीं आएगी, आराम से हुडी के नीचे लगा के रखूँगा ना, तो निकालने में प्रॉब्लम नहीं होगी। चलो भाई निकल लिए घर से और ये ले लिया अपना सामान, ये ट्रॉली, ऊपर ये बैग्स है, और एक कंधे पर लटक रखा है। बाकी मम्मी आ रही है और चलो गाड़ी आ गई। तो भाई निकल गए हैं अभी घर से और थोड़ी सी दूर आ गए हैं घर से, अब जा रहे हैं जंक्शन के लिए। भाई आ गई है, मतलब लग चुकी है अपनी ट्रेन ये रही जयपुर भोपाल, और S1 है हमारा डब्बा, तो बहुत आ गया है अभी, तो इस वाले पे S5 पे थोड़ा आगे चलना पड़ेगा, तो चलते हैं। बाकी बैग ही बैग हो गए भाई, 3 तो बैग हैं, बाकी
इस वाले पे एक मिनट आ जाओ। भाई अपना घर का खाना लेके आए थे, मम्मी बना के लाई थी, खाना खा रहे हैं। ये देखो मस्त ट्रेन में लोग थाली का मजे ले रहे हैं और अपने अपनी थाली लेके आए घर से, खाते हैं मस्त एंजॉय करते हैं सारे के सारे। तो भाई अभी पहुंच गए हम अजमेर और अभी ट्रेन रुकी है, मतलब दो चार मिनट हो गए खड़े खड़े। तो खाना वाना खाया, अभी मम्मी वगैरह खा रही है अंदर खाना, और एक चीज़ खा अभी मैं खा रहा हूँ, आम की गुठली। खाना खाया था ना, आम का अचार लेके आए थे, आम की गुठली भाई, इसको चूसने का अलग ही मज़ा है। हाँ भाई ट्रेन में आ गया हूँ और अपर बर्थ पे लेटा हुआ हूँ, तो पेट में दर्द हो रहा है, गैस बन रही है, तो थोड़ी देर लेट गया हूँ। मेरी सीट तो दूसरे उसमें है, मतलब दूसरी साइड है, अपर बर्थ है वो भी, लेकिन उधर जाके पहले बाद में लेटूंगा यार, पेट दर्द हो रहा है, अब इधर ही लेट गया। मतलब खाना खाने से पहले हो रहा था, ऐसा नहीं है कि खाना ज़्यादा खा लिया, गैस बन रही है। बाकी महादेव के वहाँ जा रहे हैं ना, तो भजन गा रही है आंटी वगैरह आगे बैठी हैं जो सीट पर, वो भी वहीं जा रहे हैं, तो भजन सुनते रहो मस्त, चलते हैं भाई। और थोड़ा बहुत अरब कर लूँगा व्लॉग और एडिट कर लूँगा, क्योंकि कल डालना भी है ना 12 बजे, तो टाइम देख लो आप, देखा दो 9:10 बज गए, अब सोएंगे, 10 बजे सो जाऊँगा और थोड़ी देर चलता हूँ, मतलब अभी तो लेटा हुआ हूँ अपनी सीट पे जाके, फिर मूवी वगैरह या गाने सुनूँगा। मस्त एंजॉय करते हुए जा रहे हैं और भजन सुन रहे हैं भोलेनाथ के, आंटियाँ आ रही हैं ना, तो नींद अच्छी आ जाएगी सुनते सुनते। लेकिन मैं अभी अपनी सीट पे गया नहीं हूँ ना, मैं आपको मेरी सीट दिखा देता हूँ, लेकिन लोगों के टांग इतनी आगे निकल रखी हैं, अपर बर्थ में सो रखी है ना, मैं भी अपर बर्थ पे हूँ, लेकिन लोगों की टांगें इतनी लंबी लंबी निकाल रखी हैं बाहर की, दिखा नहीं सकता आगे। भाई मस्त आ गया, अपनी सीट पे सो गया हूँ, सब अब दिक्कत है ना वो ये है कि ना तो तकिया है इधर, वो कंबल में अपना ले आया था, ले लिया था अपना वाला, ऐसे है वैसे चक्कर आ रहे हैं, बिल्कुल फ्लैट हो गया ना तो ऐसे चक्कर आ रहे हैं भाई, लेकिन कोई नहीं, अब एडजस्ट करना पड़ेगा। और हवा आ रही है इधर से पता नहीं कहाँ से, ठंडी ठंडी। भाई सब लोग सो चुके हैं और पूरे डब्बे में लाइटें बंद हो गई हैं, तो मैं भी सोता हूँ और मिलता हूँ आपसे अगले व्लॉग में। बाकी ये व्लॉग कैसा लगा लाइक करो, कमेंट करो और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं गाइस जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में और एक नए दिन के साथ में, तो अब सुबह ही नया व्लॉग स्टार्ट करूँगा, बाकी इसको एंड कर देता हूँ। तो बाकी भाई नींद आ रही है बहुत ज़्यादा, जब से मूवी देख रहा था आराम से पड़ा पड़ा, तो चलो गुड नाइट सबको, आराम आराम।